तो स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 के सॉल्यूशंस की तरफ। बट उससे पहले बता दूं, जिन बच्चों को चैप्टर नहीं आता, बच्चों जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए, ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। इसके अलावा बता दूं, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको आप डिफरेंशियल इक्वेशंस तो तब कर पाओगे जब इंटीग्रल पढ़ोगे, ठीक है। चलो उसको तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं, और आप डिफरेंशियल इक्वेशन को तब करेंगे जब आप इंटीग्रेशंस पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से लेकर 10 तक आपको कुछ बोलता है। वो कहता है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डिवाइड बाय x। मतलब ये जो t है इसको गायब नहीं करना है, बिना इसको गायब किए हुए, बिना इसको एलिमिनेट किए आपको डिवाइड बाय x बताना है। तो बहुत ईजी है, ये x और y जो भी लिखा हुआ आपके पास, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था। और dy बाय dx कैसे निकालेंगे, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt से, यानी कि y इज इक्वल्स टू ए टी की पावर 4 है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t लिखोगे आप बोथ साइड, तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 4 आगे आ जाएगा, तो 4a और t की पावर में एक माइनस कर दोगे, यानी कि t की पावर 3, और t का करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर, यहाँ भी लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो dx बाय dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 2 4a, और t की पावर में 1 माइनस कर दोगे बस, तो 2 - 1 t की पावर 1 मतलब t, तो 4at। अब dy बाय dx निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए ऊपर dy बाय dt, dy बाय dt कितना है 4a t क्यूब अपॉन नीचे dx बाय dt, dx बाय dt कितना है 4at, 4a से 4a गया, और ध्यान दें नीचे t की पावर 1 है, तो ऊपर ये जाएगा, तो t की पावर 3 - 1, यानी कि t की पावर 2 आ जाएगा, तो आंसर इज टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टी स्क्वायर, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो पैरामीटर टी के फॉर्म में आया है, कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे कैसे, डी वाई बाई डी थीटा, वाई का डेरिवेटिव पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dy बाय d थीटा, कैसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाय d थीटा इज इक्वल्स टू b, तो कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे dx बाय d थीटा इज इक्वल्स टू a, तो कांस्टेंट है, और cos का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक। अब ले आगे यहाँ वैल्यू रख देते हैं, dy बाय d थीटा कितना आया है, माइनस बी अपॉन माइनस बी साइन थीटा अपॉन dx बाय d थीटा कितना आया है, माइनस ए साइन थीटा। अब देखो माइनस से माइनस गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, और ये आंसर आ गया हमारे पास क्या, बी अपॉन ए। तो अब बच्चे बोलेंगे पैरामीटर के फॉर्म में नहीं आया, आया है यार, कैसे पता है, बी अपॉन ए को तुम क्या लिख सकते हो, यही आंसर है, आंसर तो यही है, बट बी अपॉन ए इंटू थीटा की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 ही तो होता है, ठीक। तो आया तो है वो, बस दिख नहीं रहा है तुमको, बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट दिख रहा है, कर लो। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस टू टी, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन, यहाँ पैरामीटर कौन है, t है, तो y का t के रिस्पेक्ट में और डिवाइडेड बाय x का t के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से dx बाय dt मिल जाएगा। यहाँ पहले लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt इज इक्वल टू, हाँ भाई, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ही तो होता है, और टी का करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, पहले पूरे का करोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, पहले पूरे का करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टू टी इंटू, अब भाई टू टी का भी तो करोगे, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टू टी, टू टी का भी तो डेरिवेटिव करोगे, और टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 बाहर आके इस साइन 2t में आगे मल्टीप्लाई कर देगा, तो माइनस 2 इंटू साइन 2t, ये आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, dy बाय dt कितना आया स्टूडेंट्स, dy बाय dt आया है माइनस 2 इंटू साइन 2t अपॉन dx बाय dt कितना आया है, cos t आया है। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, याद है ना भाई, ये फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो अगर साइन 2t हो जाए तो 2 साइन t इंटू cos t हो जाएगा, ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए जरा, माइनस का 2 तो ऐसे ही है और ये जो है साइन 2t खुलेगा तो 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी से खुलेगा और डिवाइडेड बाय कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो माइनस 4 साइन टी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 साइन टी जो कि टी के फॉर्म में आया है, कर लीजिए। 4 देखिए x इज इक्वल टू 4t दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप dx बाई dt निकाल सकते हो, dx बाई dt बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, 4t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 4 अपॉन t दिया है, तो 4 अपॉन t को आप 4 इंटू 1 अपॉन t भी लिख सकते हो, है ना, 4 तो कॉन्स्टेंट है, और अगर आप d बाई dt ऑफ 1 अपॉन t करोगे, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव, हाँ भाई 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 अपॉन t का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो यानी कि 4 इंटू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना आया है, 4 आया है, ठीक। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर और ये वाला जो है वो डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय 4, तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, डिवाइड को आप क्रॉस में बदलोगे तो 4 अपॉन 1 इसको लिखोगे तो पलट दोगे, तो 1 अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज योर डी वाई बाय डी एक्स। फिफ्थ, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, डी एक्स बाय डी थीटा, तो ध्यान दीजिए डी एक्स बाय डी थीटा जब निकालोगे तो क्या होगा, डी बाय डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी थीटा ऑफ, पहले इसका करेंगे यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, फिर माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा, ऑफ कॉस टू थीटा करते हैं। ये कॉस का क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, माइनस ध्यान दें यहाँ पे कॉस का करोगे पहले तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा, भाई यहाँ 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा। अब सुनो, अब इनटू में आप स्टूडेंट्स करेंगे 2 थीटा का भी डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे, पहले पूरे का करेंगे और फिर 2 थीटा का करेंगे, तो पूरे के कॉस का आ गया माइनस साइन इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, तो ये सब बच्चों वाले गेम है, बहुत पहले ही हम कर चुके हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दें 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ले आया मैं इसको, और d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1, उसको हम लिखेंगे नहीं, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और 2 आ गया बाहर, ठीक, तो ये आ गया। अब इसमें एक काम कर लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में, यानी कि 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये पॉजिटिव वाला टर्म पहले और नेगेटिव वाला बाद में, इसको रीअरेंज कर लिया, तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास डी एक्स बाय डी थीटा। इसी तरीके से डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे आप, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझो, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन का करोगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, अब देखो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ध्यान दें साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन टू थीटा का क्या होगा, कॉस टू थीटा इंटू ध्यान दें कॉस टू थीटा, सॉरी साइन का हो गया कॉस और फिर टू थीटा का भी तो करोगे, और टू थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, टू ही तो होगा, क्योंकि टू कॉन्स्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 आ जाएगा यहाँ बाहर, ठीक, तो ऐसा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है, ये आया आपके पास कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया है, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इज इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आइए डिफरेंशिएट करते हैं। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू ये जो दिया है इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्या, डी बाई डी थीटा, यहां आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी थीटा बाय डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें देखो स्टूडेंट्स डी बाय डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग जब आप करोगे यहाँ पे पूरा लिखोगे ये पूरा, तो ए तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक, ए से मतलब नहीं है, तो आपको करना किसका पड़ेगा, थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ए इंटू डी बाय डी थीटा डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट का करेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का किया जाएगा। अब ए तो ऐसे ही रहेगा, तो ए इंटू
अब ब्रैकेट में देखो थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ही तो होता है, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए तो कॉन्स्टेंट है, और सुनो वन का बच्चों जीरो आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, वन का तो जीरो हो जाएगा ना, वन एक कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि आगे आपके पास ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ए इंटू साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब डी वाई बाय डी एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अब डी वाई बाय डी थीटा कितना आया तुम्हारा, ए, ये देखो ये आया माइनस ए साइन थीटा आया, कितना आया माइनस ए इंटू साइन थीटा आया, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा कितना है, ए इन द ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा आया, ये ए से ए कट जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम में ये छोड़ देंगे, बोलेंगे दिस इज फाइनल आंसर, बिल्कुल गलत। अरे यार क्लास इलेवेंथ से वो आपको फॉर्मूले पढ़ाता चला आ रहा है, याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, याद है कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद है, और इसी तरीके से साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें अगर हम एंगल हाफ करें बोथ साइड, मतलब अगर इस टू थीटा का हाफ कर दें तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय टू हो जाएगा, इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय टू हो जाएगा, इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय टू हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में सॉरी इस फॉर्मूले में भी अगर हम बोथ साइड एंगल हाफ कर दें, मतलब टू थीटा को अगर हाफ करोगे तो थीटा हो जाएगा वो, तो यहाँ भी थीटा का हाफ और यहाँ भी थीटा का हाफ हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान से चेक करिए, क्या आप यहाँ माइनस साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, और डिवाइडेड बाय, ये तो बहुत पहचान में होना चाहिए यार आपके, मतलब तो एग्जाम में लगता ही लगता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब वन माइनस, हाँ आप कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, ऐसा लगाओ कि वन कट जाए, ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि वन कट जाए, तो मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा, नीचे वाला, ध्यान से चेक करो क्यों, देखो यहाँ माइनस है, हमने यहाँ माइनस उतार दिया, और ये वाली जो वैल्यू है कॉस थीटा की, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू रखने जा रहे हैं हम, वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ये ठीक। ऐसा करने से ब्रैकेट खोलेंगे तो वन से वन कट जाएगा, तो ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो हो जाएगा माइनस टू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिएगा, डिवाइडेड बाय वन तो ऐसे ही है, और माइनस प्लस माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस टू इंटू, हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा बाय टू का क्या मतलब होता है कि साइन थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू का क्या मतलब है कि साइन थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू, ठीक। अब देखो वन से वन गया, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस टू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, प्लस का टू, प्लस हम लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे टू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू। अब ध्यान दें, टू से टू गया और साइन थीटा बाय टू से साइन थीटा बाय टू गया, ये माइनस बचा है आगे, तो आपके पास माइनस बचा है आगे, और ध्यान दें कॉस अपॉन साइन क्या होता है भैया, कॉट ही तो होता है, लेकिन शर्त है क्या कि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, यहाँ भी थीटा बाय टू है, यहाँ भी थीटा बाय टू है, तो कॉस थीटा बाय टू कौन साइन थीटा बाय टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाय टू हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉट थीटा बाय टू, दिस इज योर डी वाई बाय डी एक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर थीटा, कर लीजिए।